नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई आपको पता है कि ऐसी कंट्री है, वहां पे क्राइम जीरो रिपोर्ट है। जी हाँ, अगर आंकड़ों से देखें तो क्राइम रिपोर्ट जीरो आती है वहां पे, लेकिन ये तय बात है कि कुछ क्राइम तो होते हैं। हालांकि अलग बात है कि दुबई की जो पुलिस है वो चाहती है कि हमारा क्राइम रिपोर्ट अब जीरो रहे, वो मैटर को सुलटाने की सोचती है। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जहां पे इतनी यार कहावत है ना कि पड़े बर्तन एक जगह बहुत सारे बर्तन है ना, वो भी आवाज करते हैं, समझ रहे हो बात को। तो अलग अलग कंट्रियों की पॉपुलेशन दुबई में रहती है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हरामीपन लोग दिखाई देते हैं। वो अपने देश में भी दिखाते हैं, वो दूसरे देश में भी दिखाने से बाज नहीं आते। दुबई में आपको पता है मसाज के नाम से काफी जगह आपने देखा होगा, गलियों में रोडों पे स्टिकर लगे होते हैं, गाड़ियों में चिपके होते हैं। हालांकि सब लोगों को पता है जो दुबई में लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग फिर भी झांसे में देखो आए जाते हैं, समझ रहे हो। अगर 100 पत्थर मारेंगे तो एक पत्थर कहीं ना कहीं निशाने पे लग ही जाता है, आदमी बहकाव में आ जाता है। और जो ये सब जो ये चटपटे काम करते हैं ना, ये बड़े हरामी होते हैं। इनको ट्रिक भी इसी तरीके से देते हैं कि बंदा सामने वाला, अभी एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे, कनाडा का पायलट बताओ, प्लेन बेचारा प्लेन उड़ा रहा था, दुबई पहुंचा था, थकान मिटाने के चक्कर में चलो मसाज करवा लेते हैं। हालांकि अपने इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, एशियन कंट्री में अगर अपने देशों की बात करें, पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश इधर नहीं है, लेकिन आपको पता है यूरोपीय कंट्री इधर तो मसाज वगैरह इन लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, मसाज वगैरह करवाना। तो बंदे ने अब पायलट को छोटी चीज नहीं होती, 8-10 लाख रुपए उसकी महीने की पगार है, और वो बंदा बोला चलो अब थोड़ा सा, उसने कोई उसके मोबाइल पे मैसेज आ गया, ठीक है, किसी लेडीज ने मैसेज कर दिया कि हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी सर्विस दी जाती है। तो भाई बंदा था, चलो ठीक है 2 रुपए लगेंगे, बंदा पहुंच गया उनके पास में, वो एक नाइजीरियन थी महिला। अब ये दुबई में एक बात हमेशा नोट रखना, जो ये जो पक्के पक्के रंग में ब्लैक ब्लैक कलर आपको दिखते हैं ना दुबई में, भाई ध्यान से रहना, बच के रहना इन लोगों से, ये बड़े हरामी होते हैं। इंडिया में भी ये नाइजीरियन लोग आए, मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई, यहाँ पर भी ये कांड करते रहते हैं, 420 ठीक है धोखाधड़ी का मामला, या फिर हनी ट्रैप में फंसाना, फ्रेंडशिप करने का मैसेज डालना, या फिर ये ऑनलाइन लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस वगैरह, ऐसा कुछ कर रहे हैं आपको पता है। और दुबई में भी सबसे ज्यादा ये लोग पकड़े जाते हैं। हालांकि सरकार का एक्शन लेगी, नाइजीरिया के देश को बैन कर देगी तो इनका मैटर खत्म हो जाएगा, टंटा ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। टंटा राजस्थानी वाले समझते हैं टंटा क्या होता है, तो मैं बता दूं, नाइजीरियन महिला ने उसको मैसेज किया, तो वो बंदा चलो मसाज करवाने के लिए उसको एक फोटो दिखाई, बोला ये अमेरिकन महिला है, ये आपकी बॉडी मसाज करेगी। तो भाई पायलट था, उनके पास पहुंच गया। एरिया का नाम बताऊं मैं, दुबई में कहा है बुर दुबई, आप लोग रहते होंगे, जो नहीं रहते होंगे उनको भी पता है, बुर दुबई में सबसे ज्यादा ये ब्लैक कलर वाले लोग रहते हैं, नाइजीरियन लोग सबसे ज्यादा बुर दुबई में है। और कांड बोल दो या फिर जुर्म बोल दो, गलत काम बोल दो, सबसे ज्यादा बुर दुबई में होते हैं, क्योंकि ये लेबर एरिया है, पुरानी दुबई बोल सकते हैं, लेबर एरिया है, सस्ता वहां पे थोड़ा और की जगह सस्ते मकान वगैरह फ्लैट वगैरह मिल जाते हैं, तो लेबर टाइप के आदमी उधर ही रहते हैं ज्यादा, जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां पे इस चीजों का ज्यादा गलत काम होता है। तो उसको वहां पे ले गया, एक अपार्टमेंट में ले गई एक महिला, वहां पे एक महिला दूसरी आई, उसने बोला कि आपको दूसरी, उस दूसरा एक फ्लैट है उसमें वो महिला आपका इंतजार कर रही है। तो वो बंदा वहां जाके यहाँ चाय पी, उसके साथ वापस उस रूम में दूसरे फ्लैट में चला गया। वहां जाते होना क्या भाई, 4 सांड बैठे थे काले काले, समझ रहे हो बात को, और उन्होंने दबोच लिया जैसा कि उन्होंने बताया, हम तो उसके पास नहीं थे, हमें नहीं पता, जैसा कोर्ट के बयान में उन्होंने बताया, 4 सांड बैठे थे, चारों के चारों उसके ऊपर टूट पड़े, और उसके पास में 19-20 हजार दराम पड़ी थी जेब में। अब होगी अगले के पास 2 हजार दराम, लेकिन रिपोर्ट में उसने 20 दराम लिखाई है, तो वही माननी पड़ेगी। वो पैसे उसको मारा पीटी करी, पैसे ले लिए, उसका पर्स वगैरह छीन लिया, फिर छुड़ा छुटू के, वही जो फिल्मी अंदाज में लास्ट में होता है, मैं छुड़ा छुटू के कैसे भी वहां से निकला, पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस में FIR दर्ज करवाई, पुलिस आपको पता है सऊदी की दुबई की तो तैयारी बैठी रहती है, तुरंत एक्शन लिया उसको, उनको तुरंत वहां पे पकड़ लिया गया। जी हाँ, पकड़ के मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया, 2-3 महीने में उनको सजा हो गई। सजा कितनी हुई जी, 3 साल की सजा हो गई उस बंदे को। आप सोचिए 3 साल की सजा हो गई। सजा काटने के बाद में उसको वहां से उठा के उसके देश लाइफ टाइम के लिए भेज दिया जाएगा। समझ गए आपको बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, गलत काम कितनी देर चलता है, इतनी देर, जब तक हम पकड़ में नहीं आते मन में मोतीराम बने घूमते रहो, पकड़ में आ गए पिछवाड़े पे तो लाल हो जाएगा, ठीक है लाइफ टाइम बैन हो जाएगा, अखबार में नाम आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। जो पैसे छीना चिट्ठी करते हैं ना गलत काम, वो पैसे भी वहीं रह जाते हैं, पैसे जब्ती में आ जाते हैं, कैसे भी हो जाता है वो मैटर क्लोज हो जाता है। तो इससे चीजों से सावधान रहना, मसाज के नाम से आप लोगों को हालांकि पता ही है, लेकिन बचिए, दूसरों को भी बचाइए,
इस तरह की कोई आपको लालच दिया जाता है तो आपको बचने की साफ साफ जरूरत होनी चाहिए। अगर नहीं बचोगे तो नुकसान आपका, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा आपका ही आपका। समझोगे बात को? बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।